हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, फाइनली हमें सितंबर 2022 में ओप्पो फाइंड X3 प्रो, ओप्पो F21 प्रो एंड ओप्पो रेनो 8 प्रो 5G डिवाइसेस में एंड्रॉइड 13 बेस्ड कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली रोल आउट किया गया है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आपके डिवाइस में कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट देखने को मिला या फिर नहीं। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अक्टूबर 2022 में ओप्पो के कौन से डिवाइसेस में ओप्पो की तरफ से कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, और जिन यूजर्स को कलर ओएस 13 का बीटा फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा तो उन्हें बीटा अपडेट को अप्लाई करने से पहले क्या करना है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अक्टूबर 2022 में ओप्पो के कौन से डिवाइसेस में कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट को यहाँ पे इंडिया के अंदर रोल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ओप्पो रेनो 8 5G डिवाइस में कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट को इंडिया के अंदर रोल आउट किया जाएगा। इसके अलावा ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G, ओप्पो रेनो 7 5G, ओप्पो रेनो 7, ओप्पो रेनो 6 5G, ओप्पो F21 प्रो, ओप्पो K10, ओप्पो S77 5G एंड ओप्पो S76 डिवाइसेस में एंड्रॉइड 13 बेस्ड कलर ओएस 13 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को यहाँ पे रोल आउट किया जाएगा। अब दोस्तों, जिन यूजर्स को ये बीटा अपडेट देखने को मिलेगा तो चलिए ठीक है, बट जिन यूजर्स को कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट देखने को नहीं मिलेगा तो उन यूजर्स को सिंपली अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है एंड वहां पर आपके डिवाइस में जो भी लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा उस पर अपने डिवाइस को अपडेटेड करके रख लेना है, तभी आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 बेस्ड कलर ओएस 13 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी मैं इन सभी डिवाइसेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, जब इनमें ऑफिशियली कलर ओएस 13 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको इन फ्यूचर में भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह की सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूं। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।